थे अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी दो बार, तो उसमें हम लोग शामिल रहे हैं और ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों की राय स्पष्ट है और ये बात पब्लिक डोमेन में है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी की राय कुछ रहती है वो अपने ढंग से प्रकट करते हैं, लेकिन अगर कोई संयुक्त रूप से काम करना है तो इस चीज़ को कैसे तो सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा पहले की तरह? सरकार का प्रोग्राम तो होता ही है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो सरकार का प्रोग्राम तो होता ही है। उसमें क्या आगे क्या करना है अगले 5 वर्षों में उसके बारे में तो बात होती है, मैनिफेस्टो मिलकर के बात होती है। हम तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए अंतिम दम तक लगे। अरे पीछे से कोई नहीं मार रहा उनको, की धारा 370 को हटाने अमित शाह तो घूम घूम के कह रहे हैं कि हटा देंगे। धारा 370 को हटाने की बात है नंबर एक। नंबर दो सवाल तो कॉमन कोई नहीं है, पीछे की बात हम लोग नहीं करेंगे। नंबर तीन अयोध्या मामले का निपटारा या तो आपसी बातचीत से समझौते से या कोर्ट के आदेश। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा ये हम लोग 96 से ही स्टैंड पर। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना स्टैंड, लेकिन अगर कोई गठबंधन होता है तो शुरू से ही 96 और आप जानते हैं श्रद्धे अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी दो बार, तो उसमें हम लोग शामिल रहे हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों की राय स्पष्ट है और ये बात पब्लिक डोमेन में है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी की राय कुछ रहती है वो अपने ढंग से प्रकट करते हैं, लेकिन अगर कोई संयुक्त रूप से काम करना है तो इस चीज़ को कैसे तो सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा पहले की तरह? सरकार का प्रोग्राम तो होता ही है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो सरकार का प्रोग्राम तो होता ही है। उसमें क्या आगे क्या करना है अगले 5 वर्षों में उसके बारे में तो बात होती है, मैनिफेस्टो मिलकर के बात होती है। हम तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए अंतिम दम तक मैनिफेस्टो को लेकर मैनिफेस्टो को लेकर जदयू का मैनिफेस्टो नहीं आया। अपनी पार्टी के अंदर जितना महत्व पार्टी के अंदर उनका विचार आपका मैनिफेस्टो नहीं आया जब से सांसद सर इधर कभी वो सीधा देखे कभी हम लोग केंद्र में थे वो सांसद। व्यक्तिगत संबंध तो बहुत पुराना है, लेकिन राजनीतिक बात कोई करता है तो अपने आपका मैनिफेस्टो नहीं आया। कहा मतलब गया कि बीजेपी के दबाव में आपने देखिए ये हमारा चुनाव है और हमारा मैनिफेस्टो तो पहले से प्रकाशित है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो नीतियां हो या राज्य स्तर की नीतियां। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 2005 से बिहार में सरकार चलाते रहे हैं और देख लीजिएगा कभी भी गौर करके कि 2005 का जो प्रोग्राम बना कार्यक्रम बना आप सब देख लीजिए वो उसी मैनिफेस्टो का है। 2010 में भी वही, 2015 में भी हमारा संकल्प की निश्चय की घोषणा, ये सारी बात है। तो हम लोगों का जो भी स्टैंड अलग अलग विषयों पर हम लोगों की राय है वह पब्लिक डोमेन में है, जग जाहिर। अब एक आप कभी कभी आश्चर्य लगता है कि जिसका कोई एक MP जीतेगा या नहीं जीतेगा या क्या होगा, हम मैनिफेस्टो कुछ मेरी बात समझ नहीं आती क्या है, कोई फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन हम लोग तो अपने नीतियों को बिल्कुल पब्लिक डोमेन में रखते रहे, प्रस्तुत करते रहे। और कोई ये अकेले हम यहाँ का बिहार का चुनाव तो था नहीं, और देश भर का जो चुनाव था तो उस चुनाव के बारे में हम कर देने से कोई चुनाव अभियान पर कोई उसका फायदा होता ऐसा तो कुछ बात थी नहीं। लेकिन जिनको आप PM बनाने जा रहे हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं और करते भी हैं तो कोई जवाब नहीं देते। आपको लगता है कि ऐसे PM से फिर आप तो करते हैं ज्यादा देश के शीर्ष नेताओं के बारे में मुझसे कोई मोदी जी आपको लगता है कि ये नहीं ध्यान लोग करते हैं भैया अपने अपनी आस्था है तो इसमें कोई राजनीतिक कमेंट का विषय है ही नहीं। सर NDA की जो प्रोग्राम बना कार्यक्रम बना आप सब देख लीजिए वो उसी मैनिफेस्टो का है। 2010 में भी वही, 2015 में भी हमारा संकल्प की निश्चय की घोषणा, ये सारी बात है। तो हम लोगों का जो भी स्टैंड अलग अलग विषयों पर हम लोगों की राय है
गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं नीतीश जी की मदद ले सकते हैं, जेडीयू शामिल होगा, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि नीतीश जी की मदद ले सकते हैं, जेडीयू शामिल होगा, ये में है एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए का हिस्सा है जनता दल, अरे काहे भगा रहे हैं, क्यों शामिल होगा, एक मैंडेट के बाद होगा, लेकिन इन सब चीजों पर चर्चा करना आज कोई जरूरी नहीं है, 23 तारीख को जब नतीजा आ जाएगा उसके बाद गुलाम नबी आजाद भी कह रहे हैं आपके बारे में कि वो भी आ जाएंगे उनके साथ, चलिए 35A और 370 हटाए राजेश जी, किसी कीमत पर पक्ष में नहीं हो सकते हैं।